आपने भी अपना अनुभव? मेरा तो ठीक है, मैं तो एक अच्छी कहानी और एक अच्छी टीम का हिस्सा हूँ, और खासकर दिनेश जी जिस फिल्म में होते हैं हमारी थोड़ा केमिस्ट्री ऑडियंस को बहुत अच्छी लगती है। हमारी जो नोक झोंक है उसके बिना वो तड़का जो लगता है हमारा झगड़े का वो तड़का इसमें भी है, तो वो मुझे लगता है कि एक अलग कहानी तो ऑब्वियसली दिनेश जी ने बताई कि उसको कमर्शियली बनाया जा रहा है उस कॉन्सेप्ट को, उस कहानी को, और मुझे लग रहा है कि बहुत एंटरटेनिंग फिल्म बन रही है। बहुत एंटरटेनिंग, और एक बहुत अच्छी कास्ट है इस फिल्म की, क्योंकि कहानी को कास्ट ही उठाकर ले जाती है, शुरुआत से अंत तक पब्लिक के सामने लाती है, तो कास्टिंग बहुत प्यारी है। अक्षरा जी हैं, और शायद हम बहुत दिनों बाद फिल्म कर रहे हैं कोई साथ में, श्रुति जी के साथ अभी एक दो फिल्में की मैंने साथ में, पदम जी हमारे कलीग हैं, हमने साथ में एक्टिंग में कोर्स किया है भोपाल में, संजय महानंदा छत्तीसगढ़ की शान, फिर कुल मिलाकर ये जो बुके तैयार हुआ ये बड़ा खूबसूरत तैयार हुआ, और मुझे लगता है बहुत प्यारी फिल्म बन के निकलेगी। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि दिनेश सर के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सबसे सुनती थी कि लाइक मतलब बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं, स्वभाव बहुत अच्छा है, और बहुत कुछ सीखा है इनसे स्क्रीन पे देख के, मेरे लिए तो ये ड्रीम कम ट्रू है। तो बहुत ही लकी हूँ मैं कि इस फिल्म का पार्ट हूँ, और सर मुझे हर बार, हम राजा डोली लेके आ जाए इससे पहले एक मूवी में स्क्रीन शेयर किए थे, उसमें भी इन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, हर एक सीन में डिस्कशन करके समझाया है, इस फिल्म में भी हर एक चीज़ को समझाते हैं, और मैं इसको प्राउडली बोल सकती हूँ कि दिनेश सर जैसे हर एक हीरो को होना चाहिए कि हीरोइन भी कंफर्टेबली काम करे, और मैं बहुत खुश हूँ। अक्षरा जी बहुत ही प्यारी हैं, और उनको भी देखा है अभी, वो बहुत ही अच्छा कर रही हैं। संजय सर से हमेशा सीखने मिलता है, बाकी जितने भी लोग यहाँ पे बैठे, मैं ही जूनियर हूँ, सब मेरे सीनियर हैं, सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। क्या किरदार निभा रहे हैं इसमें? इसमें जो किरदार है बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, और मैं रिवील नहीं कर पाऊँगी, बट इतना कहना चाहूँगी कि बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। संजय जी बात करें, जैसे निरहुआ जी के साथ अक्सर फिल्मों में आप उनके राह का रोड़ा बनते हैं, हाँ वही वो कंटिन्यूटी बरकरार है। मैंने शुरू में कहा कि हम लोग, मैं जब तक उनकी राह का रोड़ा ना बनू ऑडियंस एंजॉय नहीं करती, मजा नहीं आता। हाँ वो ब्रेकर मैं बना हुआ, और वो ब्रेकर बनने की जो कंटिन्यूटी वो भी इसमें भी है, बट इसमें ऐसा अलग अलग नहीं है, उसमें दो अलग अलग जोन में रहते हैं हम लोग। यहाँ हम साथ में ही हैं सीन में, और रह भी फिल्म में साथ रहे हैं, उसी दौरान नोक झोंक है, और बहुत सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज होती हैं फिल्म में, जो स्क्रिप्ट में नहीं होती हैं, और मुझे लगता है वो चीज़ें ज़्यादा क्लिक होती हैं एक सडनली। बिल्कुल हाँ, इससे बहुत बड़ी वजह जो पदम जी ने बात कही वो बहुत सही कही कि दिनेश जी दरअसल सिर्फ अपने किरदार को लेकर तो वो सतर्क रहते ही हैं कैसे शेप देना है, उस फिल्म के जितने किरदार हैं उनको लेकर वो, उनको लेकर भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं कि उनका भी अच्छा रोल हो। मैगजी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लोग हैं जो इनसिक्योर होते हैं, असुरक्षा मुझे लगता है कि दिनेश जी के अंदर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये चाहते हैं कि सामने वाला किरदार और अच्छा करे ताकि सिनेमा अच्छा बने, और ये कहते हैं ना कि टीम के लिए खेलते हैं, अपने शतक के लिए नहीं। नहीं अच्छा, क्या प्रदीप भाई आप आ जाइए प्लीज। नमस्ते, क्या साहब है? साहब हाँ, कहाँ का साहब है? हमारा गांव के साहब। अरे तो यहाँ का कर आयलबा? यहाँ नौकरी। अरे नौकर का नाम साहब? हाँ। ड्राइवर का नाम सिपाही, खटाई का नाम मिठाई, ऐसा कहाँ होला बे? तरवा में होला। हमारे गांव में होला। हाँ। तरवा में ही होगा।